चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर जब से चांद की सतह पर लैंडिंग किया है, तब से लेकर अब तक चांद की दुनिया के भयानक खुलासे कर रहा है। लैंडिंग के बाद चंद्रयान 3 ने भेजी चांद की पहली वीडियो और तस्वीर। दिखा चांद के दक्षिणी ध्रुव का ऐसा खौफनाक मंजर। अगले 14 दिनों तक चांद पर घूमते हुए चंद्रयान करने वाला है बड़ा कमाल। इसरो का यह मेगा प्लान देखकर दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज हैरान हो गई है। दोस्तों, चांद की कक्षा में पहुंचने से लेकर आज तक इसरो के चंद्रयान 3 ने हर रोज लगभग नई तस्वीरें और वीडियो भेजा है। और क्या आप जानते हैं कि रूस का लूना 25 जिस दिन क्रैश कर गया, उस दिन भी लूना के स्थित की दुर्लभ तस्वीरें साझा की थी, जिसमें चंद्रमा का वह फॉर साइट दिख रहा था जिससे धरती पर बैठकर किसी भी टेलीस्कोप से नहीं देखा जा सकता। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड कर चुका है, जिसके तुरंत बाद उसने अपने अंदर लगे एडवांस हाई क्वालिटी कैमरा की मदद से चांद के दक्षिणी ध्रुव की पहली झलक कैप्चर कर ली है। और अगले 14 दिनों तक वह बड़े कमाल करने वाला है, जिसका खुलासा आज हम इस वीडियो में करेंगे। साथ ही आपको दिखाएंगे इस मिशन से जुड़ा वह पहलू जिसे देखकर इसरो के लिए आपकी इज्जत 10 गुना बढ़ जाएगी। तो देखिए इस वीडियो को अंत तक। दोस्तों, 14 जुलाई को पृथ्वी से चांद के लिए रवाना हुआ चंद्रयान 3 ने इतिहास रच दिया है। जब उसने 23 अगस्त की शाम चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग किया, जहां आज तक दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच पाया, चंद्रमा आज भी अपने अंदर अनेक ऐसे रहस्य समेटे हुए हैं, इसलिए दुनिया भर के वैज्ञानिक इसमें काफी रुचि दिखाते हैं। इसी बीच इसरो की तरफ से बहुत ही बड़ी गुड न्यूज आ रही है कि चांद पर लैंडिंग के बाद चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की कंडीशन बिल्कुल ठीक है, और इसलिए चंद्रमा पर रिसर्च करने के लिए अपने प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर खुला छोड़ दिया है। और ये रोबोट अगले 14 दिनों तक चांद के बहुत बड़े खुलासे करने वाला है। वहीं विक्रम लैंडर के एडवांस कैमराज ने चांद पर अपनी लैंडिंग साइट की सबसे ताजा तस्वीरें भेजी हैं। इन लेटेस्ट फोटोज में सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके चमक रही चांद की खूबसूरत सतह को साफ साफ देख सकते हैं। साथ ही यह भी देख सकते हैं कि चांद की सतह कितनी ज्यादा ऊबड़ खाबड़ है, जिसका यह हाल लंबे समय तक उल्का पिंडों की बारिश की वजह से हुआ है। वहीं लैंडिंग से ठीक पहले विक्रम लैंडर पर लगे लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरों ने चांद की कई कमाल की फोटोज खींची थी, और इसरो द्वारा शेयर की गई इन तस्वीरों में आपको कुछ नाम लिखकर दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि चंद्रमा पर मौजूद बड़े बड़े इम्प्लांट फ्लैट है जो यहां से तो हमें केवल कद्दू की तरह दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इन्हीं रहस्यमय गड्ढों के नीचे 1-2 किलोग्राम नहीं बल्कि पूरे 10 करोड़ टन पानी मौजूद हो सकता है, और कई बेशकीमती खनिजों का भंडार हो सकता है, जिसका रिसर्च करने के लिए विक्रम ने अपने प्रज्ञान रोवर को रवाना कर दिया है। तो चंद्रयान 3 के रिसर्च मिशन के ऑब्जेक्टिव क्या है, और ये अपने रिसर्च के दौरान चांद के किन किन रहस्यों से पर्दा उठाने वाला है जिससे नासा और रूस को भी जलन होने लगी है। आइए जानते हैं दोस्तों, विक्रम लैंडर पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, यानी कि लैंडिंग के बाद अब वो अपनी जगह पर खड़ा होकर चंद्रमा पर सर्च करेगा, जिससे यह चांद के पतले वातावरण के अंदर मौजूद प्लाज्मा पार्टिकल जारी करेगा। दिन और रात में चंद्रमा की सतह के बदलते तापमान की जांच करेगा, अपनी लैंडिंग साइट के आसपास आने वाले भूकंप की गति और तीव्रता की स्टडी करेगा, और सतह के नीचे लेजर फेंककर सरफेस एलिमेंट्स की जांच करेगा, जिसके लिए इसके अंदर 4 पेलोड उपकरण लगाए गए हैं। जबकि चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर अपने टायर्स की मदद के चलते हुए चांद के दूर दराज इलाकों की तरफ रवाना हो चुका है, और चलते चलते इसने इसरो को भी चांद का डेटा भेजना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि प्रज्ञान रोवर में लेजर इंडक्टेड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर और अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर जैसे 2 पेलोड उपकरण लगाए गए हैं, जो कि लेजर की मदद से चांद की सतह के अंदर तक जाएंगे और सतह के नीचे मौजूद पानी का पता लगाएंगे। साथ ही यह चांद की मिट्टी और चट्टानों में मौजूद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, क्रोमियम और सिलिकॉन जैसी कीमती खनिजों को भी खोज निकालेंगे, और इस रहस्यों से पर्दा उठाएंगे कि आखिर जान के अंदर क्या छुपा हुआ है।
यानी अगर अपने इस मिशन में विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने चांद पर किसी कीमती खनिज या पानी का भंडार खोज लिया, तो यह इतना बड़ा कामयाबी होगा कि भविष्य में जब भी चांद का नाम लिया जाएगा तो इसके साथ ही इसरो और भारत का नाम भी जोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि रिसर्च मिशन चांद के वे लूनर दिन होते हैं जो कि पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर हैं, जिसके बाद चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपने आप निष्क्रिय हो जाएंगे और सदियों तक चांद की सतह पर खड़े होकर भारत के नाम का ठप्पा लगा देंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि इसरो ने वापस लाने का कोई प्लान नहीं बनाया है, वहीं इसे सिर्फ दिन के वक्त ही काम करने के लिए डिजाइन किया गया है, यानी 14 दिन के बाद जब विक्रम लैंडर की लैंडिंग साइट पर अगले 14 दिन के लिए रात होगी, तब इसके सोलर पैनल चार्ज नहीं हो पाएंगे और धीरे धीरे इसके सभी उपकरण बंद हो जाएंगे। हालांकि यहां गौर करने वाली बात यह है कि इसरो के मिशन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था, मगर ये सवाल आता है कि चांद पर लैंडिंग करना इतना मुश्किल क्यों है? क्यों 23 अगस्त का दिन इसरो के इतिहास का सबसे ऐतिहासिक दिन बन चुका है और क्यों इसरो की इस उपलब्धि से ब्रिटेन, चीन और रूस जलकर राख हो चुके हैं? दरअसल दोस्तों, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना आसमान से तारे तोड़ने के समान है, क्योंकि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सूरज की रोशनी उतनी नहीं पहुंच पाती जितनी चांद के दूसरे हिस्सों पर पहुंचती है। इसी वजह से चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चारों तरफ घनघोर अंधेरा रहता है। वहीं पृथ्वी से चंद्रमा के इस क्षेत्र की दूरी ज्यादा होने की वजह से लैंडिंग के दौरान कमांड सेंटर का लैंडर से संपर्क टूटने का खतरा बना रहता है। साथ ही चांद पर ऐसा कोई मजबूत वायुमंडल भी नहीं है जो लैंडिंग के दौरान घर्षण पैदा करके लैंडर की रफ्तार को कम कर सके। इसी वजह से चंद्रमा के इस हिस्से में लैंडिंग करना काफी चुनौतीपूर्ण रहता है। ऐसे में किसी भी स्पेसक्राफ्ट को चांद पर लैंड करवाने का एक ही तरीका मुमकिन है, जिसे चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने ही अपनाया था। इस तरीके में लैंडर को चांद की सबसे छोटी ऑर्बिट में अपनी न्यूनतम ऊंचाई वाले बिंदु तक ले जाया जाता है, जो कि 20 से 30 किलोमीटर के बीच होता है, जिसके बाद लैंडर अपनी कक्षा छोड़कर चांद की सतह पर उतरने के लिए रवाना होता है और नीचे पहुंचने के दौरान अपने थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जो विपरीत दिशा में फोर्स लगाकर इंजन ब्रेकिंग का सहारा लेते हुए स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार कम करते हैं। रफ्तार को कम करने के बाद लैंडर के सामने जो अगली चुनौती आती है वह होती है चांद की धूल। इसी बात से आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर चंद्रमा पर लैंडिंग करना कितना मुश्किल है और इसरो के चंद्रयान 3 ने कितना बड़ा कमाल कर दिखाया है, और इस मिशन से इसरो ने वो कर दिखाया जो नासा और रूस जैसे बड़े देश भी नहीं कर पाए हैं। जबकि रूस तो चंद्रयान 3 से आगे निकलने की हड़बड़ी में एक हफ्ते पहले ही अपने लूना 25 मिशन में बुरी तरह से फेल हो चुका है, यानी भारत ने अमेरिका और रूस जैसे बड़े देशों को भी पछाड़ दिया है, और पाकिस्तान तो अगले 100 सालों में भी स्पेस रिसर्च की फील्ड में भारत के आसपास तक नहीं पहुंच पाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, चंद्रयान 3 चांद पर पानी की तलाश कर पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और भी नॉलेजेबल वीडियो के लिए अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।